और इस बीच एक बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आरोपी संदीप घोष को लेकर निकली है सीबीआई। सियालदह कोर्ट से लेकर निकली है सीबीआई। सीबीआई ने संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक बड़ा अपडेट, ताजा अपडेट है फिलहाल। सियालदह कोर्ट से लेकर निकली सीबीआई। सीबीआई ने संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की है और फिलहाल सियालदह कोर्ट से लेकर निकली है सीबीआई। सियालदह कोर्ट से लेकर सीबीआई निकली है। आरोपी संदीप घोष को लेकर निकली सीबीआई। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ये बड़ा अपडेट है। सियालदह कोर्ट से लेकर इस वक्त सीबीआई निकली आरोपी को। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सियालदह कोर्ट से लेकर निकली सीबीआई। सीबीआई ने संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग भी की है। देखिए, कोलकाता रेप मर्डर मामले में लगातार सीबीआई की जांच पड़ताल चल रही है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामले पर सुनवाई हुई और लगातार पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब जो अभी तक जांच पड़ताल हुई पुलिस द्वारा, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच सीबीआई के हाथों में, क्योंकि अब केस जा चुका है, सीबीआई अपने हिसाब से इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट की डिमांड भी की जा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा ये अपडेट, इस वक्त आरोपी संदीप घोष को लेकर सीबीआई निकल रही है। ये निकलते हुए की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सियालदह कोर्ट से लेकर निकल चुकी है सीबीआई ने संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की है। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। आरोपी संदीप घोष को लेकर सीबीआई निकल चुकी है और देखिए, लगातार आपने देखा कि पूरे देश में इस वक्त उबाल है। पूरा देश इस हादसे के बाद, इस पूरी घटना के बाद, माफ कीजिएगा, इस पूरे घटना के बाद लगातार गुस्से में है और अब मांग की जा रही है कि पॉलीग्राफी टेस्ट होता कि इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले।